हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग राम राम भाई राम राम मेरी तरफ से भी राम राम कहीं कहीं बार राम राम तुम लोगों को ठीक है, है? आ जाओ शुरू करते हैं फिर एक नई कहानी रेशो की वाली ठीक है देखो इधर। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्र पाते ये तो मैंने आपको कल करा दिया था भाई क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़ोगे सात की तरफ ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन तो सेवन पढ़ो एक बार मुर्गे और मुर्गियां नहीं मुर्गे और गाय मुर्गिया और पढ़ो क्या कह रहे हैं एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय है दोनों के सिरों को गिनने का अगर तो एक सौ पांच आएगा और पैरों की संख्या गिनता तो तीन सौ छत्तीस आता तब मुर्गियों व गायों की संख्या ज्ञात करो भाई जल्दी बताओ फटाफट फ़ड़ तेज तेज बताना है तेज देखो सिंपल करा दो एक बार में से आपको एक तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं एलिगेशन ठीक है एलिगेशन कैसे लगाओगे देखो 105 सर है और 336 सौ छत्तीस पैर जो head है हेड वो 105 है और 336 है लेग क्लियर है तो अगर टोटल मान लो कि सर सारी काउज हैं और सारी की सारी हैं देखो अगर टोटल 105 के 105 सर हैं, 105, है, 105 सर होने का मतलब 105 जानवर है 105 अगर उसका मतलब तो इसका मतलब 105 जानवर है क्लियर है बात तो अगर सारी गाय होती तो गाय का टांगे होती चार तो चार सौ बीस टांगे होती भाई हो और अगर सारे की सारी मुर्गियां होती तो मुर्गी के टांगे होती दो तो टांगे दो हो, होती तो दो होता मामला दो ठीक है भाई दो होता अब देखो यहाँ लेकिन है कितना तीन तो एलिगेट कर दो अब एलिगेट करोगे देखो चार सौ बीस है दस में छह गया चार हो गया या एक हो गया ग्यारह में से तीन गया आठ हम्म चौरासी और ये कितना हो जाएगा दो सौ दस अगर नब्बे आएगा तो तीन सौ हो जाएगा एक सौ छब्बीस ठीक है तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई देखो छह चार दस एक बारह आठ बीस और एक इक्कीस तो ये दो सौ दस हो गया टोटल दो सौ दस नहीं है क्वेश्चन में एक सौ पांच है इसका मतलब आधा है आधे की जरूरत है तो आधा यहां करेंगे तो फोर्टी टू हैन और इसमें आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई सिक्सटी थ्री काउस फोर्टी थ्री फोर्टी टू हैन और सिक्सटी थ्री काउस एक बार समझो और अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो आप फिर मुझे बता सकते आई विल एक्सप्लेन इट टू यू मैं आपको समझाऊंगा पक्का श्योर हंड्रेड परसेंट संदीप रवि रोशन प्रभु निशु महावीर जसपाल हिमांशी बताओ सभी को समझ आया क्लियर है भाई अच्छा अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक बात समझा देता देखो जा तो इसे एक्स मान के भी सकते थे लेकिन उसमें बहुत लेंथी हो जाता ठीक है तो तुम देखो यहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं आप करके देखना हेड्स है चालीस लेग हंड्रेड और कुछ काउस है कुछ हैंड्स हैं फाइंड नंबर ऑफ काउस जल्दी बताओ फटाफट तेज देखो क्या होगा अगर टोटल काउज हैं तो 40 गुणा चार एक और टोटल अगर हैन है तो 40 गुना दो अस्सी लेकिन बीच में आ जाएगा 100 तो 100 आ जाएगा तो 80 घटागे तो 20 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 60 तो काट दें तो हो जाएगा 10 दो से काट के 10 और ये 30 तो 10 30 40 हो गया तो इसका मतलब 10 काउज है, 30 हैं 30 हैन है क्लियर चलो जी तो आगे चलते हम्म क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट फोड़ो फटाफट जल्दी करो फटाफट तेज पढ़ लो क्वेश्चन एक बार करें टोटल इनकम ऑफ <coughs> फोर, फोर, तो तो तीन व्यक्ति सी जिनका मिलाकर वेतन चौदह हजार चार सौ है ए अस्सी प्रतिशत खर्च करता बी पिचासी प्रतिशत खर्च करता सी पिछहत्तर प्रतिशत खर्च करता यदि उनके बचत के अनुपात आठ अनुपात नौ अनुपात बीस हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें

बहुत सही देखो भाई ए जो है 80 परसेंट खर्च करता बी पचासी परसेंट सी पचहत्तर ए 80 परसेंट खर्च कर देता बी पचासी परसेंट सी पचहत्तर परसेंट एक्सपेंस है तो सेविंग्स बताना सेविंग्स 20 परसेंट 15% 25% ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज उनकी सेविंग्स का जो रेशियो एट इज टू नाइन इज टू ट्वेंटी सेविंग्स का जो रेशियो है वो एट इज टू नाइन इज टू ट्वेंटी है तो आप खुद बताओ देख के चेक करो अगर मैं यहां से कह दूं सेविंग्स 20% है ए के लिए लेकिन रेशियो में कह रहा आठ है हंड्रेड परसेंट इनकम होती तो इसका हंड्रेड परसेंट बनाने के लिए पांच ही गुणा करनी पड़ेगी तो इसका मतलब सो परसेंट बराबर हो जाएगा चालीस के तो जो इनकम का रेशियो आना शुरू हो जाएगा इनकी इनकम है जो ए की वो हो जाएगी चालीस अब बी की इनकम पर चलते है देखो इधर बी का जो पार्ट है वो पंद्रह परसेंट है तो पंद्रह परसेंट बराबर किसके है नौ के ठीक है तीन से गया तीन बार थीन से तीन से गया पांच बार तो इसका मतलब यहां से कह सकते हैं पांच परसेंट बराबर तीन है सर तो सौ परसेंट बराबर तो बीस गुना करेंगे तो सौ आ जाएगा यहाँ पे बीस गुना करेंगे तो साठ आ जाएगा इसका मतलब बी की इनकम जो है वो साठ रुपए अब सी के लिए आओ पच्चीस परसेंट है 20 के। तो इसका मतलब चार की गुणा करते ही सो हो जाएगा और बीस गुणा चार कितना हो जाएगा अस्सी तो इसका मतलब सी की इनकम जो है वो है अस्सी क्लियर अब इनकम का अगर रेशो निकालोगे इनकम का अगर रेशो निकालोगे तो देखो बीस दो चालीस बीस तीन साठ बीस चार अस्सी तो दो तीन चार हो गया अब देखो दो तीन पांच और चार नो नो नहीं है इनकम चौदह हजार चार सौ है तो सोलह गुना नौ एक सौ चवालीस होता तो इसका मतलब सोलह सौ गुना हो गया सोलह सौ गुना करेंगे तो बत्तीस सौ सोलह सौ सो गुणा तीन अड़तालीस सौ सोलह गुना चार चौसठ तो सी की इनकम चौसठ इसकी अड़तालीस सौ इसकी बत्तीस सौ नोट कर लो सबसे पहला आंसर आया था संदीप का बिल्कुल सही उसके बाद महावीर का गलत है और महावीर का लास्ट में सही आया है बस दो का ही आया है चेक करो कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो क्लियर कोई समस्या हो तो बताओ केवल अंग्रेजी में बता देना इनकम का जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है फाइव इज टू फोर का रेशो एक्सपेंडिचर फोर इंस टू थ्री का रेशुआ है तो एक बार चल रहे थोड़ा सा फाइव इज टू फोर फाइव इज टू फोर का रेशु है इनकम का और सेविंग्स का उसने बताया नहीं एक्सपेंडिचर का बताया फोर इज टू थ्री तो उसने कहा ईच जो है ईच सेव्स ईच सेव्स रुपीज फोर थाउजेंड अगर फोर थाउजेंड ई सेव करता तो इसमें तो सिंपल है देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि पांच रुपए ये हैं चार रुपए हैं तो इसका मतलब एक बचा है चार रुपए खब बनाए तीन खर्च कर दिए तो मतलब एक बचा है क्लियर है एक बचा है लेकिन एक नहीं क्वेश्चन में कह रहा है चार हजार बचा है तो एक बराबर चार हजार के तो पांच बराबर पांच बीस हजार के बीस के और चार बराबर सोलह के तो इसका मतलब एक ही जो इनकम है इनकम ऑफ एज ट्वेंटी थाउजेंड इनकम ऑफ बीज सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है भाई बड़ा आसान था तो अब आप दसवा कर लो एक बार फटाफट छोटे भाइयों देखो दसवे में चेंज है मैं से, दो तरीके से आपको बताऊंगा देखो ध्यान से फाइव इज टू फोर का रेशियो है इनकम का इनकम जो है वो फाइव इज टू फोर के रेशियो में है और जो सेविंग्स का रेशियो उसने दिया है सेविंग्स का रेशियो क्या है थ्री इज टू टू थ्री इज टू टू क्लियर लेकिन फिर उसने क्या बोला कि सर एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वो ये पांच हजार कर दे रहा है और ये एक्सपेंडिचर केवल चार हजार रुपए कर रहा है तो अब आप, आप देखो यहां से ये इसकी इनकम है मैं फाइव ए फोर ए रख लेता तो फाइव ए माइनस फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव माइनस फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड अपॉन फोर ए माइनस फोर थाउजेंड इज इक्वल टू सेविंग्स के रेशियो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू भाई इनकम में से अगर मैंने एक्सपेंडिचर को घटाया तो सेविंग्स आ जाएगी ना इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स हो जाएगी ठीक है तो हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे इसमें तो टेन ए इज इक्वल टू टेन थाउजेंड टेन ए माइनस टेन थाउजेंड इज इक्वल टू ट्वेल्व ए माइनस ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है भाई ये इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू टू थाउजेंड 2a is equal to 2000. So, a is equal to 1000. If a is equal to 1000, then 5a is equal to 5000 and 4a is equal to 4000. Income of a, income of b. Clear? इसकी डिजिट्स गलत हैं। है बस अंत मेथड समझो तुम ठीक है यूज ऐसे ही करना है अच्छा फिर से बता देता देखो इनकम का रेशो लिखा हमने वहां पे पांच अनुपात चार सेविंग्स का लिखा तीन अनुपात दो उसके बाद हमने लिख लिया यहां पे एक्सपेंडिचर और ये तो पांच गुणा दो करेंगे दस आएगा ठीक है और चार गुणा तीन करेंगे बारह आएगा तो इनका अंतर कितना अंतर दो का ठीक है अब तीन गुणा चार करोगे बारह हजार पांच गुणा दो करोगे दस हजार तो अंतर कितना दो हजार का तो इसका मतलब दो की वैल्यू दो हजार तो एक की वैल्यू एक हजार पांच की वैल्यू पांच हजार और चार की वैल्यू चार हजार डिजिट थोड़ी सी चेंज हो सकती है पेपर में ध्यान रखना है बात ठीक है अरे बात आई कुछ खोपड़ी में

चलो ये हो गया आ, भाई देखो ये क्वेश्चन जो हुआ है किसमें हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं एक व्यक्ति निश्चित दूरी को ट्रेन बस कार द्वारा क्रम से चार तीन दो अनुपात में तय करता है किराए का अनुपात क्रम से इतना कुल किराया इतना ठीक है ए पर्सन ट्रेवल्स और डिस्टेंस By train, bus, and car in the ratio four is two, three is two, two, and fare in the ratio one is two, two is two, four if total fare. टोटल फेयर इज सेवन ट्वेंटी फाइंड बस फेयर करो लिख दिया भाई इंग्लिश में कोई दिक्कत मान रहे हैं मिस्टर रवि करो जल्दी फटाफट आदमी क्या है वो निश्चित दूरी है कुछ उसे कुछ हिस्सा ट्रेन से कुछ हिस्सा बस से कुछ हिस्सा कार से ट्रेवल करता <glove> तो उसका रेशियो है फोर इज टू थ्री इज टू टू तो फेयर का रेशियो जो है वन इज टू टू इज टू फोर अगर टोटल फेयर सात सौ बीस है तो सेवन ट्वेंटी है एंड फाइंड बस फेयर फेयर ऑफ बस ठीक है देखो बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना अब एक बात बताओ अगर वो ट्रेन से चार किलोमीटर जाता उसे एक रुपए पर किलोमीटर देना पड़ता तो इसका मतलब टोटल फेयर भी तो चार ही रुपये हो गया फोर इंटू वन फोर अगर वो तीन किलोमीटर जाता कार बस से और दो रुपए की बात होती तो छह हो गया होता दो किलोमीटर जाता कार से चार रुपए के हिसाब से तो चार गुना तो आठ हो गया फोर इंटू टू एट मतलब बस ट्रेन का जो फेयर है वो चार रुपए होता है बस का फेयर होता है छह और कार का फेयर होता है आठ छह चार दस और आठ अट्ठारह अठारह की वैल्यू सात सौ बीस तो अठारह चौक बहत्तर चालीस तो इसमें गुणा करेंगे चालीस का एक सौ साठ दो सौ चालीस तीन सौ बीस इसका मतलब एक सौ साठ रुपए का जो फेयर था वो ट्रेन का था बस का फेयर दो सौ चालीस और कार का फेयर होता सौ बीस <coughs> बोलो बात समझ पाए कोई दिक्कत यहां तक In a bag, in a bag, there are some coins of rupees five, rupees two, and rupees one, and their ratio is four is to six is to nine. If total rupees four one zero, find number of points of rupees two. सुनना ध्यान से छोटी सी बात को एक बैग है इस बैग में एक बैग है उसमें पांच रुपए दो रुपए एक रुपए के सिक्के हैं और जो क्वाइंस का रेशियो दिया गया क्वाइंस का जो रेशियो दिया गया वो कितना देखो फोर इज टू सिक्स इज टू नाइन है फोर सिक्स नाइन तो ध्यान देना फोर इज टू सिक्स इज टू नाइन लिशन टू मे if the ratio of coins is given then you should make the ratios of values agar aapko sikkon ka anupat diya gaya to unke mulyon ka anupat banana hoga if the ratios of coins is given then you should make the ratios of values it means if you have four coins of rupees 5 then we can say you have 20 rupees मतलब अगर हमारी जेब में कुल चार सिक्के हैं पांच पांच रुपए के तो हमारी जेब में बीस रुपए हैं अगर हमारी जेब में छह कॉइन्स है दो दो रुपए के तो इसका मतलब बारह रुपए है और नौ कॉइंस है एक एक रुपए का तो नौ रुपए है तो इसका मतलब टोटल जो पैसा हुआ बीस बारह नौ तो फोर्टी वन बट क्वेश्चन कह रहा है फोर वन जीरो इट मीन्स इट इज ऑफ टेंथ मल्टीप्लायर इफ इट इज ऑफ टेंथ मल्टीप्लायर देन यू कैन से टेन फोर्टी क्वाइंस ऑफ रुपीज फाइव इंटू टेन सिक्सटी ऑफ रूपीज टू इंटू टेन नाइंटी क्वाइंट्स ऑफ रुपीज वन करो बच्चा पार्टी क्लियर तो अगले क्वेश्चन पे चलें देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है थर्टीन बस तेरा ही करवाऊंगा मैं आपको फिर उसके बाद ये पार्टनर से क्वेश्चन है उसे कराऊंगा मैं आपको मिक्सचर के बाद में ठीक है थर्टीन देखो थर्टीन क्या कह रहा है रेशियो लैंड इज टू वोटर Is one is to two on earth and on northern hemisphere on northern hemisphere it is two is to three. Find on साउदानमिस्फेयर फाइंड ऑन साउदान हेमिस्पेयर दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा अनुपात क्लियर देखो मैं आपको समझाता हूं बड़े आसानी से ये पूरी जमीन है अर्थ है इस अर्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंप्लीट अर्थ है उसके ऊपर लैंड इज टू वोटर जो दिया गया वन इज टू टू दिया गया अब देखो रेशियो है तो रेशियो तो कुछ भी हो सकता इसका मतलब हमसे सो दो सो भी लिख सकते सौ दो सौ लिखेंगे तो टोटल होगा तीन सौ क्लियर अब एक आदमी है उसके दो बच्चे हैं उसके पास तीन सौ रुपए है तो दो बच्चों को देना बराबर बराबर जाएगा तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ देना पड़ेगा ना भाई क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर बराबर बराबर है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर पर जब साउद की बात चल रही है तो यहाँ रेशो दो अनुपात तीन का है अगर टू इज टू थ्री का यहाँ रेशो है तो दो तीन टोटल कितना हो गया पांच और पांच की वैल्यू एक सौ पचास मतलब तीस गुना तो यहाँ देखो तीस गुना किया और यहां भी तीस गुना किया तो तीस गुना दो साठ और तीस गुणा तीन नब्बे अब आप खुद देखो टोटल पान टोटल जमीन जो है वो सौ हिस्से है टोटल जमीन कितना है सो हिस्से सो में से साठ हिस्से हमने दे दिए नोर्दर्न को तो क्या साउदन के पास जो जमीन जाएगी वो चालीस हिस्से जाएगी सारे बताएंगे हाँ जी क्लियर अगर टोटल पानी देखो वहां 200 है हमने यहां पानी दिया 90 तो इसका मतलब इसके हिस्से में जो पानी आएगा वो 110 आएगा कि नहीं आएगा भाई देखो 60 40 सौ नब्बे एक सौ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बराबर ही तो होना चाहिए तो जब रेशियो की बात आएगी जियो जीरो काट के तो फोर इज टू इलेवन हमारा आंसर हो जाएगा चार अनुपात ग्यारह हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर सारे बताएंगे समझ आया सबको क्वेश्चन बोलते नहीं निकम में महावीर बंसल जी सर यस सर ओके ठीक है प्रभु यस सर रवि यस सर हिमांशी चोपड़ा यस सर ओके कोई बात नहीं मैं नोट करता हूं को मैं थोड़ा रिप्लाई लेट दे पाता कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है हो गया दोनों क्लियर देखो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में मिक्सचर के बारे में मिश्रण के बारे में ठीक है सुनते जाना मामला डन हो जाएगा पूरा क्लियर तो देखो क्वेश्चन पढ़ोगे फर्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ो फीलिंग आएगी तुम अच्छी सी एक मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात तीन अनुपात दो है इसमें स्प्रिट जल से तीन लीटर अधिक है तो मिश्रण आसान है क्वेश्चन उसके बाद ठीक हो जाएंगे टेंशन मत लेना ठीक है थ्री टू टू का रेशियो है इसका स्प्रिट इस का और वोटर का तो कह रहा है इसमें तीन लीटर ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से एक लीटर ज्यादा क्वेश्चन में तीन तो एक की वैल्यू तीन है तो स्प्रिट की मात्रा पूछ रहा है तो तीन गुना तीन करेंगे इसका मतलब नौ लीटर कितना हो जाएगा नौ लीटर क्लियर बोलते तो जाना बस फटाफट फटाफट जितना आपसे कर पाओ उतना कर देना नहीं, मैं खुद अभी पे क्वेश्चन है जो पिछले वाली पीडीएफ थी ना उसमें पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है वे इसके बाद कराऊंगा ठीक है <coughs> चलो आगे सेकंड करो क्वेश्चन नंबर सेकंड फटाफट करो कुछ है नहीं इसमें भाई देखो पंद्रह लीटर का मिक्सर है वन इज टू फोर का रेशियो है किस किस का एल्कोहल मतलब शराब पानी टोटल पांच लेकिन पांच नहीं है पंद्रह है तो तीन गुना हो गया तो तीन गुना करेंगे यहाँ भी तीन तो इसका मतलब पंद्रह लीटर अगर टोटल मिक्सचर है शराब पानी का तो इसमें तीन लीटर एल्कोहल है और बारह लीटर पानी होगा तभी तो पी जाएगी है बात समझ आई क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर तीन लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है बहुत तो अच्छी बात है अगर तीन लीटर पानी और मिलाया गया तो देखो पानी हो जाएगा पंद्रह और अल्कोहल तो तीन ही रहेगी भाई अल्कोहल थोड़ा ना मिलाया आपने सिर्फ जल देवता मिलाए तो इसका मतलब तीन और पंद्रह हो गया तो तीन और पंद्रह हो गया इसका मतलब टोटल जो मिक्सचर हो गया वो आपके पास तो अट्ठारह लीटर का होगा उसमें से परसेंटेज पूछ रहा है आपसे अल्कोहल का तो अगर 18 टोटल है 18 में से तीन हिस्से किसके हैं अल्कोहल के तो परसेंटेज के लिए किस पे जाओगे 100 पे तीन से गया छह बार तो 16 से ही दो बटे तीन परसेंट इज योर आंसर सिक्सटीन टू तो बाई थ्री परसेंट इज योर आंसर भावनाओं में मत बजाना कभी अल्कोहल का फीलिंग ले लो तुम तो अभी देखो पढ़ो फटाफट 25 लीटर वाले मिश्रण में हम लोग पानी का अनुपात चार अनुपात एक है तीन लीटर पानी मिलाया जाता है तीन लीटर पानी और मिलाया जाता है ठीक <coughs> है तो चार अनुपात एक है एसिड और वाटर तो चार और एक टोटल पांच पांच की वैल्यू 25 है पांच गुना हो गया भाई तो पांच गुना यहां हो गया और पांच गुना यहां हो गया तो ये बीस हो गया और ये पांच हो गया क्लियर है तीन लीटर पानी और मिला दे तो रेशियो पूछ रहा है तो तीन लीटर पानी जैसे मिलाऊंगा तो ये आठ हो जाएगा और ये हो जाएगा बीस तो चार से गया दो बार चार से गया पांच बार तो फाइव इज तो टू टू ऑप्शन है आंसर हो जाएगा ऐसा भी होता है कि वोटर एसिड भी दे देता है हम सही रेशो गा देते हैं उल्टा पूछ रहा होता है हाँ बिल्कुल होता है कई बार होता है भाई बहुत बार होता है ऐसा अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट क्वेश्चन नंबर फोर करो जल्दी तेज जल्दी पढ़ो भाई 240 so सीसी के मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात अनुपात है। कितना पानी मिला जाए कि, पानी मिलाया नए मिश्रण में और ग्लिसरीन का बन उन्पा, जाए रेशर टू फोर्टी सीसीटिटी सो दैट वॉल्यूम ऑफ फोटर एंड ग्लिसरीन बिकम्स टू इज टू थ्री बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल हम्म देखो भाई वन इज टू थ्री टू इज टू थ्री तो पानी है और ग्लिसरीन है बस ये देखो मिलाया क्या पानी तो ग्लिसरीन रहेगी सेम ठीक है तो वोटर और ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन अगर सेम है तो भगवान की तो है देखो पहले ही सेम है ग्लिसरीन तो पानी पहले एक था फिर दो हो गया इसका मतलब मिलाया भी एक गया तो टोटल तीन और एक चार लेकिन टोटल कितना है दो तो इस टोटल चार यूनिट की वैल्यू है 240 सीसी तो चार से काटा चार छ चौबीस तो 60 सीसी एक यूनिट की वैल्यू तो एक यूनिट मिलाया गया इसका मतलब ऑप्शन बी 60 सीसी इज योर आंसर समझ आई बात भाई क्लियर एकदम तो पांच बजे चले क्वेश्चन नंबर फाइव फटाफट पढ़ो जल्दी सात अनुपात दो है सात अनुपात तीन हो जाता ना तो ये तो सेम रहेगा इसमें दूध और पानी तो दूध अगर सेम है तो पानी दो से हो गया तीन क्लियर तो मिलाया गया एक अब देखो सात और दो कितना है नो तो नो की वैल्यू सात सौ उनतीस तो एक की वैल्यू इक्यासी लीटर आंसर हो जाएगा क्लियर एक की वैल्यू कितनी इक्यासी लीटर नौ से काटोगे सात सौ उनतीस को तो इक्यासी आएगा ना तो आंसर हो जाएगा ठीक है clear नोट हो गया भाई छठा देखो फटाफट क्या कह रहे एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात चार अनुपात पांच लीटर पानी मिला दिया जाए तो चार अनुपात पांच बन जाता है ठीक है तो फोर इज टू थ्री का रेशियो है फोर इज टू फाइव हो जाता है तो देखो तीन था पांच हो गया इसका मतलब दो मिलाया क्वेश्चन में कह रहा है पांच हम्म तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा चार है तो चार की वैल्यू होगी दस बात खत्म अगर आप थोड़ा सा वो डिटेल में जाना चाहते हो तो बता देना मैं वो डिटेल में ले जा सकता है मतलब वैसे लंबा करने का को कोई फायदा है नहीं वैसे ठीक है I don't know. क्लियर है भाई ये, ओके okay. तो इस अगले पे चलो सातवें पे फिर क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी बताना इसका आंसर सेवन का हेलो साठ लीटर मिक्सर में दूध पानी का अनुपात दो अनुपात एक है और कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए कि एक अनुपात दो जाए बच्चा वाला क्वेश्चन अभी बताया मैंने आपको टू इज टू वन है और वन इज टू टू चाहिए ठीक है तो देखो मिलाया क्या पानी तो दूध जो होगा मिल्क जो होगा उसे हम इक्वल कर देंगे वी मेक द मिल्क सेम देन वी कैन से टू इज टू वन एंड टू इज टू फोर अब देखो यहां पे पहले एक था ये चार हो गया अब तीन मिलाया इसका मतलब हमने लेकिन स्टार्टिंग में कितना है तीन क्वेश्चन में कितना दिया गया सिक्सटी तो इसका मतलब तीन यूनिट की वैल्यू साठ लीटर है तो एक यूनिट इज इक्वल टू बीस लीटर होगा तो तीन यूनिट में लाया गया तो तीन यूनिट इज इक्वल टू साठ लीटर हो जाएगा सिक्सटी ऑप्शन डी तो इसे इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी भाई ले ये देखो यहां तीन यूनिट की वैल्यू टोटल तीन यूनिट की वैल्यू टोटल साठ लीटर है तीन यूनिट टोटल साठ लीटर है तो मिलाया भी कितना तीन ही यूनिट तो इसका मतलब तीन यूनिट की वैल्यू साठ लीटर तो कितनी बार भी लिख लो साठ लीटर आएगा ठीक है भाई सातवे का ये नहीं होगा सातवे का डी होगा भाई डी फॉर डोग डोग माने कुत्ता क्लियर जो चीज नहीं मिलाई जाएगी वो हमेशा बराबर रहेगी वी ड will be the same always or we can say will remain constant if we are adding water then we can say water will be increased if we are not adding milk then water milk will not be increased so the thing which we don't add then we can say that thing will remain constant clear फटाफट करो 200 लीटर के मिश्रण में 15% परसेंट मिलकर और शेष दूध है ठीक है नए मिश्रण में सतासी पॉइंट पांच प्रतिशत दूध है दूध बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाएगा तो दूध मिलाया जाएगा तो वोटर सेम रहेगा बस कर दो क्वेश्चन

पच्चीस पांच पच्चीस छह तो देखो इनिशियल बाई फाइनल अगर हम करते तो ये फाइव बाई जाता। मतलब शुरुआत में अगर टोटल मामला पांच था तो बाद में 6 का मतलब मिलाया गया एक ठीक है पांच की वैल्यू दो 40 चालीस तो एक गुना चालीस करेंगे तो बराबर चालीस लेटर हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हो चेक करके कर देखो आपने ऐसे किया क्या मैं जानता तुमने नहीं किया होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो भाई मदिरा और पानी वाले अस्सी लीटर के मिश्रण में साठ प्रतिशत मदिरा है कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा पचास प्रतिशत हो जाए मिक्सचर ऑफ लीटर ऑफ वाइन एंड वॉटर कंटेंट 60 परसेंट वाइन हाउ मच वॉटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 50 परसेंट क्लियर 12.5% 100% परसेंट सो परसेंट टोटल होता है जब सतासी पॉइंट पांच परसेंट हो जाएगा उसमें दूध तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा पानी तो होगा हम्म बोलो जल्दी तो देखो यार अस्सी लीटर का मिश्रण है इसमें देखो क्या मिलाया गया पानी मिलाया गया तो इसका मतलब मदिरा सेम रहेगी मदिरा तो मदिरा कितनी साठ परसेंट शुरुआत वाले में इनिशियल में और फाइनल मदिरा हो जाएगी पचास परसेंट तो बराबर कर दिया तो जीरो परसेंटेज से जीरो परसेंटेज उड़ा दे तो इनिशियल बाई फाइनल देखो कितना हो गया पांच बटे छ हो गया इनिशियल पांच है फाइनल छ तो मिलाया गया एक इनिशियल पांच नहीं है कितना है अस्सी तो पांच की वैल्यू अस्सी है तो सोलह गुणा हो गया तो इसमें भी गुणा करेंगे सोलह की तो इसका मतलब सिक्सटीन लीटर इज आवर आंसर ऑप्शन ए वेरी गुड संदीप समझ गया बात को क्लियर सही है पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन डोगरा अरे यार दो टाइप का जो पार्ट है देखो इसमें पंद्रह परसेंट सांद्रता वाला मतलब कंसंट्रेशन का और एक में चालीस परसेंट कंसेंट्रेशन का इन दोनों को मिलाएंगे तो बीच का ही बनेगा तो बीच का तीस बन गया ठीक है तो जब भी एलिगेशन का यूज होगा ये बात हमेशा ध्यान रखना एक डिजिट होगी बड़ी एक डिजिट होगी छोटी ठीक है तो ये तीस परसेंट का बन गया बात समझ आ रही है तो तीस परसेंट का बन गया तो इसका मतलब ये होगा दस और ये हो जाएगा पंद्रह तो रेशियो जो आएगा वो टू इज टू थ्री एलिगेशन हमें क्या बताता इन वोट रेशियो वी मिक्सड हमने किस रेशियो में मिलाया इसका मतलब टू इज टू थ्री जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर ग्यारह करो जल्दी बहुत बो तीजी सर आ गए गोटिट ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारह फटाफट बताओ कुछ भी नहीं करना भाई इनिशियल में देखो एल्युमिनियम दो किलोग्राम मिश्रण में तीस परसेंट तांबा है इस में कितना ढूंढो फटाफट बीस परसेंट हो जाएगा तो बराबर तो जीरो परसेंटेज से जीरो परसेंटेज काट दिया कैंसिल आउट इनिशियल बाय फाइनल हो गया टू बाई थ्री इनिशियल तीन है फाइनल दो है मिलाया गया एक इनिशियल दो की वैल्यू दो किलोग्राम दो की वैल्यू दो किलोग्राम तो एक की वैल्यू एक किलोग्राम एक किलोग्राम का मतलब एक हजार ग्राम आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल बहुत सही संदीप समझ आ रही है बात क्लियर बार बार करो तीस परसेंट अल्कोहल है पचास परसेंट में कितना मात्रा में है भा? कुछ भी नहीं है तीस है पचास है बीच में रखो पैंतालीस को आंसर करो फटाफट से ये पांच हो गया और ये पंद्रह हो गया तो वन इज टू थ्री बताओ इतना टाइम लगना ही नहीं भाई क्वेश्चन में <laughs> नहीं मैंने बिल्कुल समझ आया कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत ले मजा आएगा पूरा आसान। चलूं आगे। हो गए। फटाफट। एक सुनार है उसके पास में दो प्रकार का सोना है एक बारह कैरेट वाला एक सोलह कैरेट वाला या दोनों को किस किसमें वाला पंद्रह वाला अरे कुछ भी नहीं है भाई बारह सोलह पंद्रह एक और 12 और 3 15 तो वन एस टू थ्री आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट बताओ इतना इतना आसान और बताओ जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी बनना कि वहीं एलिगेशन लग जाएगा क्लियर दो बताओ फोर्टीन फटाफट एक सौ अस्सी रुपए किलोग्राम और दो सौ अस्सी रुपए किलोग्राम की लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दे जाए कि प्राप्त मिश्रण को तीन सौ बीस रुपए किलोग्राम की कि दर से बेचने पर बीस प्रतिशत का लाभ अर्जित हो सके प्रॉफिट लॉस में भी पूछा जा सकता है एलिगेशन में पूछा मिश्रण कई जगह बन जाता है क्वेश्चन सेम ही है लेकिन एक सौ अस्सी रुपए किलोग्राम, किलोग्राम वाली दो सौ अस्सी रुपये किलोग्राम लगातम की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए देखो एक सौ अस्सी यहां होगा दो सौ अस्सी यहां होगा अब जो यहाँ मिला का आएगा वो छोटा आएगा इनसे एक बीच में आएगा ठीक है तीन सौ बीस तो दोनों से बड़ा है तो क्यों बड़ा है बड़े से वैसे है क्योंकि बेच दी गई बेचने का मतलब ये एसपी दिया गया तो बीस परसेंट लाभ अर्जित करना तो एक सौ बीस परसेंट बराबर है तीन सौ बीस के काट दिया जीरो से जीरो दो से काटोगे तो कितना आएगा छह तो तीन परसेंट बराबर आठ के हो गया एक परसेंट बराबर आठ बटे तीन के हो गया तो सो परसेंट बराबर हो गया आठ सौ बटे तीन के इसका मतलब जो सीपी आएगा दोनों को मिला के वो एट हंड्रेड बाई थ्री हो गया ठीक है अब इसे एलिगेट करोगे अब अगर मैंने आपको एलिगेशन में भी समझा दिया था ये बात कि सॉरी प्रॉफिट लॉस में कि अगर ऐसे करने में आपको एलिगेशन में थोड़ी सी तकलीफ है थोड़ी सी तकलीफ है तो आप क्या करोगे जो ये सेम नंबर होता है इसमें सब में गुणा कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको घटाने में आसानी रहेगी देखो अट्ठारह गुना तीन पांच सौ चालीस अट्ठाईस गुना तीन और ये हो गया आठ सौ अब देखो ये चालीस हो गए इस तरफ और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा देखो पांच सौ चालीस है साठ अगर डाल देंगे छह सौ हो जाएगा तो दो सौ साठ जीरो से जीरो दो से दो बार गया तेरह बार तो दो अनुपात तेरा ऑप्शन डी टू इज टू थर्टीन चेक करो नई बात समझ आए होगी तो बता देना कब लगा सकते सब जगह लगा सकते सिखाया लगा ना तुम हाँ कहो फिर सकाते अरे तुम्हारे लिए आगे पड़ा क्वेश्चन करके बताओ जैसा पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसे है 20 किलोग्राम 15 किलोग्राम में चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाता है कि 16 की बन जाए तो देख 20 और कोई लाभ हानि ना हो तो 20 रुपए प्रति ग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम तो ठीक है 20 और 15 बीच में 16 तो 16 से ये हो गया एक एक है तो चार हो गया आंसर वन इज टू फोर कर लोगे सर तू ये करो सोलह तुम्हारे लिए है अब तुम्हारे वाले वतन साथियों करो फटाफट वन नाइनटी टू यहां लिखोगे वन फिफ्टी यहां लिखोगे अब देखो ये कितना है बीस परसेंट तो बीस परसेंट है तो एक सौ बीस परसेंट बराबर किसके होगा वन नाइन फोर पॉइंट फोर जीरो तो सो परसेंट बराबर निकालना है 100 -100 सो परसेंट बराबर किसके होगा वन नाइन फोर पॉइंट फोर जीरो गुना सो और डिवाइड बाय एक सौ बीस काटो गोलो लगा लो पॉइंट हटाएंगे दो जीरो नीचे क्लियर तो ये हो गया वन नाइन फोर फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व चार से गया तीन बार चार से गया कितने बार सोलह तीन बत्तीस तीन से कट जाएगा पूरा कितना तीन एक तीन तीन छ अठारह एक सौ बासठ तो वन सिक्सटी टू पचास साठ बारह तीस तीन से चार बार तीन से दस बार फोर इज टू टेन टू इज टू फाइव ऑप्शन ए क्लियर क्लियर तो सोलह के बाद सत्रह पढ़ लो भाई फिर सत्रह चलो पढ़ लो तुम कोई बात नहीं सबसे अट्ठारह फटाफट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल करके बताओ जल्दी तेज बहुत तेज इतना तेज आंसर आना चाहिए जिसकी कुछ हद नहीं है थ्री इज टू फोर फाइव इज टू थ्री ठीक है भाई थ्री इज टू फोर फाइव इज टू थ्री तो चार और तीन सात पांच और तीन आठ अब इससे मल्टीप्लाई कराओगे आठ में से, से की. आठ तीन चौबीस आठ चौक बत्तीस सात तीन पांच पैंतीस सात तीन इक्कीस तो बस कर दो तीन और पांच फिफ्टी थ्री ढूंढो पहले तो देखो फिफ्टी थ्री एक तो बी में भी है और एक डी में भी है ठीक है अब हमें ढूंढना क्या है देखो दूध बाद में पूछ रहा है हमारे साथ और इसने पानी और दूध का बोल रहा है दो बर्तनों है पानी है पहले वोटर और फिर मिल्क है और लास्ट में इसने पूछा पानी और दूध के साथ में ही है तो इसका मतलब मिल्क 53 आ गया तो मिल्क 53 होगा इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया करो 300 ग्राम का 40% परसेंट चीनी है और घोल में 50% पर, 40% परसेंट चीनी है तो कितनी चीनी मिला दी जाए चीनी मिलाई जाएगी तो इसका मतलब पानी बराबर करना है क्या बराबर करना है पानी पहले वाले में 60% परसेंट पानी है 50% परसेंट है इनिशियल और फाइनल फाइनल तो जीरो परसेंटेज जीरो परसेंटेज हटा दिया गया इनिशियल बाय फाइनल हो जाएगा फाइव बाई सिक्स इनिशियल पांच है फाइनल छह मिलाया गया एक टोटल तीन सौ किलो ग्राम है तीन सौ है तो इसका मतलब सिंपल सी बात हुई कितने गुना होगा साठ तो इसका मतलब एक की वैल्यू साठ आंसर सिक्सटी इज योर आंसर क्लियर करो बच्चा पार्टी बीसवा जल्दी करो ना जल्दी ए और बी में दूध और पानी का अनुपात चार तीन दो तीन है किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए ओके okay, देखो ये क्वेश्चन है फोर इज टू थ्री का रेशो है ये को, अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान रखना इस बात के ऊपर टू इज टू थ्री का रेशो है और आधा दूध आधा पानी होने का मतलब वन इज टू वन का हो गया तो आपसे बर्तन पूछ रहा है इज टू बी मतलब अगर ये बर्तन है ये सी है तो ए इज टू बी पूछ रहा है तो आप जा सकते हैं या तो बाय मिल्क अगर आप बाय मिल्क जाओगे तो देखो चार और तीन सात तो इसमें पहले वाले में ए वाले में जो मिल्क है वो सेवन बाई फोर बाय सेवन और बी में जो मिल्क है वो कितना है तीन और दो पांच तो टू बाई फाइव और दोनों को मिला के रख दिया वन बाय टू तो एलिगेट कर दो यू विल गेट योर आंसर देखो फोर बाय सेवन माइनस वन बाय टू फोर बाई सेवन माइनस वन बाई टू तो फोर्टीन हो गया हम्म hmm. ये सात हो जाएगा माइनस का ये आठ हो, हो गया ये अब यहाँ देखो टू बाई फाइव माइनस वन बाई टू दस चार पांच एक बटा दस हो गया तो so दस जाएगा इस तरफ फोर फोर्टीन आ जाएगा इस तरफ तो so रेशो हो जाएगा ये टेन इस तरफ गया टेन या फोर्टीन या दो से काट दिया पांच दो से काट दिया सात सेवन इज टू फाइव योर आंसर ऑप्शन है संदीप तेरे से तो उम्मीद थी मुझे तो ये कर देना चाहिए था ये क्वेश्चन हम्म करो नोट कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना हम्म हम्म हु? हम्म अरे इसी अगर आप बाई मिल्क नहीं जाना चाहते तो बाई वोटर जा सकते भाई देखो और बाई वोटर जाओगे तो देखो ए में जो वोटर है ए में जो वोटर है वो कितना है थ्री बाई सेवन बी में जो वोटर है थ्री बाई फाइव और मिलाया तो वन बाई टू अब देखो यहाँ एक बटा दस हो जाएगा घटा हो और यहाँ एक बटा चौदह यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो ये टेन यहाँ तो हाँ हो गया और ये फोर्टीन यहाँ तो आंसर तब भी सेवन इज टू ही आएगा क्लियर बताओ जल्दी चेक करके मतलब अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन फंस जाते मेरा कहने का मतलब यही है तो आप इन तीनों को बराबर कर दो बराबर करने का मतलब देखो सात पांच और दो से कटने वाली संख्या तो हमने सत्तर मान ली सत्तर करूंगा तो देखो दस की गुणा कर दूंगा सत्तर हो जाएगा चौदह गुणा पांच हो गया पैंतीस गुणा तो सत्तर हो गया देखो दस गुणा चार किया चालीस हो गया इसमें ए में मिल्क इसमें चौदह गुना दो किया अट्ठाईस हो गया बी में मिल्क और पैंतीस गुणा एक पैंतीस क्या मिल्क हो गया तो 28 पैंतीस सात इसका इसका अंतर पांच तो आप इसे इजीली कर सकते थे इस तरीके से भी वोटर पे भी जा सकते कोई दिक्कत नहीं है बाई वोटर अगर जाओगे आप तो वोटर से जाओगे तो देखो ए में चलो दस गुना तीन तीस चौदह गुना तीन बयालीस बी में और पैंतीस तो देखो यहाँ पांच हो गया और इसका अंतर सात हो गया कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है क्लियर देखो दस तो आगे बिल्कुल सेम है कर लेना ठीक है दो ग्यारह पांच चौबीस और सात बत्तीस है तो रेशियो पूछ रहा है जैसा पिछला था मैंने तीन तरीके बताए आपको इसमें समान मात्रा है तो तीन प्रयोगों में हम लोग इसका दो अनुपात एक टू इज टू वन थ्री इज टू टू फाइव इज टू थ्री है और इनकी तीनों बराबर है तो ये तीन हो गया ये पांच हो गया ये आठ हो गया तो मल्टीप्लाई कर दो सेम कर दो इक्वल कर दो ऐसे इक्वल कर दोगे चालीस इसमें चौबीस पांच एक सौ बीस पंद्रह आठ एक सौ बीस चालीस गुना दो अस्सी चालीस बहत्तर अड़तालीस पैतालीस पचहत्तर जोड़ दो यूनिट प्लेस देख लेना बस आठ और पांच तेरा देखो यूनिट प्लेस का तीन आ रहा है तो यूनिट प्लेस तीन यहां भी है और यहां भी है अब इधर देखो पांच और दो सात आ रहा है तो सात अनुपात तीन यूनिट प्लेस में कहा है सात अनुपात तीन देखो पूछ किसके रहा है पानी और एसिड का पूछ रहा है क्वेश्चन में दिया गया था उल्टा पूछ रहा मतलब लास्ट में सात और पहले तीन किस में है लास्ट में सात पहले तीन लास्ट में सात पहले तीन तो डी ऑप्शन हो गया वन वन थ्री डी ए डी क्योंकि इसने वोटर इज टू एसिड पूछा है वोटर इज टू एसिड और हमने निकाल क्या रखा है एसिड इज टू वोटर उल्टा निकाल रखा है हमने ध्यान रखना इस बात का ठीक है संदीप देखो क्वेश्चन आता तो मैं मैंने मान लिया ले, लेकिन जब तक ये ऑप्शन दो है ये भी है और ये भी है सेम ही है बस उल्टा लिखा हुआ है तो पेपर में भी ध्यान देना इस बात के ऊपर क्लियर करवा गए देखो दो बर्तन में अल्कोहल और बी पांच अनुपात तीन पांच अनुपात चार दोनों बर्तनों किस अनुपात में मिला जाए तो अभी तो बताया मैंने आपको ये ठीक है पांच और त... देखो अभी ये बताया तो था पिछला पिछले से पिछला फाइव इज टू थ्री और ये हो गया फाइव इज टू फोर और इसे मिला के कर दिया सेवन इज टू फाइव कर दोगे कि नहीं कर दोगे तो ये ए और ये बी पूछ रहा है तो पांच और तीन आठ पांच और चार नौ सात और पांच बारह तो बराबर करके घटा दोगे ठीक है कर लेना सेम आगे चलो तेईस में एक बर्तन में पानी पांच दो है सेम है पिछले के जैसा दो बर्तन में हम लोग पानी का अनुपात तीन अनुपात है पांच अनुपात है इन दोनों बर्तन सेम है पिछले के जैसा दो बर्तन में और भी पानी अनुपात चार अनुपात तीन तो दोनों बर्तन में किस अनुपात है सेम पिछले के जैसा सोने और चांदी की दो में सोने और चांदी का अनुपात सात अनुपात बाईस सेम पिछले के जैसा समान आयतन वाले तीन गिलासों को ये बराबर कर दे बस और कुछ नहीं करना ठीक है देखो दो अनुपात तीन है तीन अनुपात चार है और चार अनुपात पांच है तो दो और तीन पांच है चार तीन सात है पांच और चार नौ है बराबर कर दे तो तिरसठ की गुणा यहाँ कर दी मैंने इसमें और पैंतालीस की यहाँ कर दी पैंतीस की यहाँ कर दी बराबर जोड़ देना बस बसमें कर दोगे तिरसठ गुणा दो एक सौ छब्बीस एक वन एट्टी नाइन पैंतालीस गुणा चार एक सौ अस्सी ठीक है पानी पूछना अम्लोर पानी अम्लोर पानी ये एसिड और ये वोटर ठीक है और पांच आएगा चार देखो यूनिट प्लेस पे किस पर दिख रहा है चार एक तो यहाँ दिख रहा है कि यहां दिख रहा है ठीक है? है और तो कहीं दिख रहा है ना ये तो ये होगा ये बी अब देखो पांच गुना तीन पंद्रह पांच गुना चार बीस तो छह तो एक के साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर समझ आया मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी देखो मैंने पूरी नहीं की तीन गुणा तीन नौ लिख लिया थे यहां पांच गुणा चार बीस हो गया जीरो लिख लिया पांच गुणा पांच पच्चीस यूनिट प्लेस से उठाता गया तो नौ और पांच चौदह चार आ गए नोट प्लेस पे तो चार यूनिट प्लेस पे यहां भी है और यहाँ भी है और कहीं नहीं है देखो पूरे पार्ट में कि उल्टा भी लिखा हो तो उल्टा भी दिखना नहीं है फिर उसके बाद देखो तीन गुणा दो छह कर दिया पांच गुणा तीन पंद्रह कर दिया और पांच गुणा चार बीस जीरो तो छह और पांच ग्यारह एक यूनिट प्लेस हो गया तो इसका मतलब यूनिट प्लेस देखो एक और चार किस पे है यूनिट प्लेस एक और चार इसी में है तो इसका मतलब ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा क्लियर अब बताओ बात समझ आएगी यूनिट प्लेस से कर सकते अगर बड़ी कैलकुलेशन लगती हो थोड़ी सी देख लेना एक बार क्लियर तो बताओ इसे दो बर्तन में दो बर्तन में कितना है पेट्रोल और कैरोसिन का चार अनुपात तीन तीन अनुपात पांच दोनों बर्तनों किस अनुपात में मिलाया जाए नए मिश्रण पेट्रोल कैरोसिन की मात्रा समान हो जाए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं फोर इज टू तो थ्री थ्री इज टू तो फाइव और पेट्रोल कैरोसिन समान हो जाए इसका मतलब रेशियो वन इज टू तो वन तो कर दोगे आप बड़े प्यार से चार तीन सात पांच और तीन आठ और ये हो गया दो तो बराबर कर दो ठीक है ठीक कर दो गे बराबर अब तो क्लियर है तो सब सेम हो जाएगा पिछले वाले जैसा ये देखो तीन प्रयोगों में तीनों का समान मिश्रण तो सेम बना दो तीनों प्रयोगों में क्या है टू इज टू वन थ्री इज टू टू और फाइव इज टू थ्री ठीक है पानी और उसका बाद पूछ रहा है तो तीन हो गया पांच हो गया और आठ हो गया तो इक्वल कर दो देखो तीनों इक्वल बोल देता जब समान मात्रा के तो बराबर कर दे और अगर किस रिलेशन में पूछा गया तो एलिगेशन लगा दे वोट रेशियो तो वी शुड यूज एलिगेशन एंड इफ इक्वल देन वी शुड यूज इक्वल पार्ट उसे रोक लिया मैंने अभी इसे देखो 60 किलोग्राम 40 किलोग्राम 100 किलोग्राम मिश्र धातु के साथ बी के साथ ये किया गया तो नई मिश्र धातु पूछ रहा है देखो 60 किलोग्राम मिश्र धातु और ए 100 किलोग्राम मिश्र धातु के साथ मिश्रित किया जाता ठीक है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और ये तीन अनुपात दो में है और मिश्र धातु में टिन तांबा एक अनुपात चार में है तो नई तो में टिन की मात्रा क्या होगी ओके डन देखो इधर फिर से एक बार देखो यहां साठ किलोग्राम है तो तीन और दो पांच में लिख देता थ्री टू फाइव और टोटल है साठ तो बारह गुना हो गया तो बारह गुना तीन छत्तीस और बारह गुणा दो तो चौबीस तो इसका मतलब इसमें दिया गया क्या सीसा और टिन सीसा टिन ठीक है लेड एंड टिन लेड एंड टिन ठीक है भाई अब अगली मिजदा तो सो की है तो वन इज टू फोर का रेशियो है टोटल हो गया फाइव क्वेश्चन में कह रहा है सो बीस गुना हो गया तो बीस गुना यहां करूंगा तो ये बीस हो गया और बीस गुना यहां करूंगा बीस गुना चार अस्सी हो गया और इसमें है क्या बी में टिन और टिन और कॉपर तो टिन ये कॉपर ही है अब दोनों को जोड़ेंगे तो साठ और सौ कितना हो जाएगा भाई बोलना एक सौ साठ की बन जाएगी लेकिन उसमें है क्या लेड है टिन है और कॉपर है तो लेड तो छत्तीस ही रहेगा अब टिन देखो टिन यहाँ चौबीस है और यहां बीस है तो चौबीस और बीस कितना हो गया चौवालीस और कॉपर यहाँ कितना है अस्सी तो तब जाकर वो एक सौ साठ बनेगा ठीक है बात समझ आ रही है क्लियर हो गया तो इसका मतलब टिन पूछ रहा है क्वेश्चन में तो टिन चौवालिस है क्लियर समझ आ गया अब देखो अगला एक बर्तन है साठ लीटर दूध है साठ लीटर दूध में बारह लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है उस ये क्वेश्चन अच्छा है देखो ध्यान से सुन लेना एक बर्तन में साठ लीटर दूध है कैसे करोगे मेरी बात सुनना बारह लीटर दूध निकाल लिया इसमें बारह लीटर पानी भर दिया अब देखो कितनी बार प्रोसेस की गई बस ये देख लेना ठीक है रिप्लेस्ड मतलब दो बार प्रोसेस की गई तो ध्यान देना भाई साठ है टोटल तो 60 में से 12 निकाल लिया तो इसका मतलब अगर 60 में से 12 निकला तो 5 में से एक निकलता तो बचता कितना 5 में से चार तो दो बार की गई तो दो ही बार लिख दिया सीधा बता रहा हूं बोथ तो ये 25 है ऊपर 16 तो ये बचा हुआ क्या है दूध टोटल है नीचे इसका मतलब टोटल 25 है उसमें से 16 दूध है टोटल 25 है तो 16 मिल्क है तो पानी कितना होगा नो नो होगा तो उसने किसके साथ पूछा मिल्क है सोलह तो पानी हो जाएगा नो सिक्सटीन इज टू नाइन क्लियर हम करो एक बर्तन में साठ किलोग्राम छह किलोग्राम निकाल लिया तो देखो साठ में से छह निकाला बस यही कर देना तो एक बटा दस होगा तो प्रोसेस देखो कितनी बार लगातार दो बार की जाती दो बार की जाती तो नौ बटा दस पहली बार नौ बटा दस दूसरी बार तो इसका मतलब हो गया सो और ये हो गया इक्यासी अब आपसे पूछा क्या दूध तो टोटल कितना था साठ तो इसका मतलब इसे कर दो बस इक्यासी बटा सौ हिस्सा है अब दूध का कितने में से साठ में से गुणा कर दो साठ की काट दिया से हमने ठीक है छ एक छठ छिड बाई दस है तो 48 हमारा हो जाएगा. 48. फिर देखते एक बार में से एक बर्तन में साठ किलोग्राम दूध है इसमें छ किलोग्राम दूध बाहर निकाल लिया उतना ही पानी डाल दिया गया ठीक है तो छ निकाल लिया तो एक बटा हो गया ठीक है एक बटा हो गया इसका मतलब नौ बटे दस बच गया तो दो बार प्रोसेस की तो 81 बटे 100 हो गया तो इसका टोटल 100 है तो क्वेश्चन में 81 बचना चाहिए था फिर दूध की मात्रा पूछ रहा बिल्कुल सही है बिल्कुल से 48.6 लीटर आएगा 48.6 लीटर आंसर आएगा ठीक है इसमें ऑप्शन में गलत कर दिया इसने ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। हम्म रुको, रुको 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 अगर ये रिपीटेड फर्दर टू टाइम्स है इसके अकॉर्डिंग है तो मामला बदल जाएगा रुक जाओ अगर रिपीटेड फर्दर टू टाइम्स दिया गया तो इसका मतलब प्रोसेस तीन बार की गई तो इसमें लिखना चाहिए था से दो बार और दोहराई जाती है हिंदी में लिख लेना भाई दो बार और दोहराई जाती है तो इसका मतलब समझ लेना दो बार और है तो इसका मतलब तीन बार होगी ठीक है फर्दर टू टाइम्स है इसका मतलब तीन बार हुई तो नौ बटा दस नौ बटा दस और नौ बटा दस तीन बार करो तो सात सौ उनतीस डिवाइड बाई एक हजार ध्यान देना अगर खाली टू टाइम्स होता तो फिर सिर्फ दो बार करके छोड़ दे फर्दर टू टाइम्स होता तो फिर करते तीन बार तो देखो सात सौ उनतीस और डिवाइड बाय कितना हो गया वन थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं गुणा करती साठ की तो जीरो से जीरो काट दो आप इसे छह की गुणा करो छो चौवन चौवन है तो पांच कैरी छह गुना बारह और पांच सत्रह एक छह सात बयालीस और एक तिरालीस और ये हो गया डिवाइड बाय सो तो फोर थ्री पॉइंट सेवन फोर आ गया फिर उस केस में अगर फर्दर टू टाइम्स है ये बात ध्यान रखना ठीक है फर्दर टू टाइम्स है देखो इंग्लिश में फर्दर टू टाइम्स लिखा हिंदी में प्रक्रिया लगातार दो बार दोहराई गई वो लगातार दो बार और दोहराई जानी थी और लिख लेना हिंदी वाले और की कमी है अगर और की कमी होगी तो ये बात ध्यान रखना भाई क्लियर मैंने खाली पिछली बार हिंदी की लैंग्वेज पढ़ी थी इस वजह से वो हुआ है आपके साथ क्लियर क्लियर करो बर्तन में दर्व और ए बी का सात अनुपात पांच नौ लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और बी भर दिया जाता है तो दर्व ए पूछ रहा है देखो इसमें क्या है सेवन इंस टू फाइव इसमें से नौ लीटर निकाल लिया और इसकी जगह पे बी डाल दिया तो सेवन इंस टू नाइन हो गया बी मतलब नाइन लीटर ही डाल दिया क्लियर अब देखो आप इसे एक मिनट के लिए भूल जाओ तो देखो सेवन इज टू फाइव है और सेवन इज टू नाइन है तो पांच से नौ तो मतलब चार चार यूनिट की वैल्यू नौ लीटर तो एक यूनिट की वैल्यू नौ बटा चार लीटर तो शुरुआत में देखो सात पैंतीस क्योंकि सात और पांच बारह बारह यूनिट की वाली नौ बटा चार गुआ चार से तीन बार नौ गुना तीन मतलब सत्ताइस लीटर होगा निकालने के बाद तो नौ लीटर तो और निकाल लिए तो सत्ताईस और नौ जोड़ो सत्ताईस और नौ कितना होगा छत्तीस तो मतलब छत्तीस लीटर टोटल था शुरुआत में इनिशियल टोटल हो गया इनिशियल का टोटल जो हो गया वो छत्तीस हो गया लेकिन शुरुआत में कितना था सात अनुपात पांच तो सात अनुपात पांच मतलब बारह और बारह की वैल्यू छत्तीस है तो इसका मतलब तीन गुणा हो गया ए पूछ रहा है और ये बी ठीक है तो तीन गुणा यहां करेंगे तो सात गुणा तीन इक्कीस लीटर हमारा आंसर होगा ठीक है क्लियर हो गया देखो आगे ये क्वेश्चन सेम है करा चुका है। मैं आपको देखो फिर से एक बार हम्म hmm, क्या कह रहा है तीन पात्र दूध पाने का अनुपात फाइव इज टू टू है फोर इज टू वन है ठीक है तीन पात्रों की क्षमता है तीन अनुपात दो अनुपात एक में वे दूध तथा पानी के मिश्रण में भेज तीन पात्रों में दूध और पानी का अनुपात पांच दो चार एक फाइव टू फाइव एक बार और लिख लेना हिंदी वाले फोर वन ठीक है ऊपर देखो ये लिखा पांच दो चार एक चार एक तीन बार है तो फोर वन है तो देखो यहां पांच और दो सात चार और एक पांच चार और एक पांच तो सबसे पहला काम बराबर करने का है तो इसमें पांच की गुणा इसमें सात की इसमें भी सात की ठीक है तो उसके बाद उसकी गुणा जो उनका रेशियो है तीन ये इसके बाद गुणा तीन गुणा दो गुणा एक ठीक है उसके बाद पहले पात्र से कितना लिया गया एक बटा तीन कर दिया दूसरे पात्र से कितना लिया गया एक बटा दो तीसरे से कितना लिया गया एक बटा सात तो देखो तीन से तीन काट दे तो पांच की गुणा कर दे तो पांच पांच पच्चीस और पांच गुना दो दस दो से दो काट दिए दो से दो काट दिया तो इसका मतलब सात गुना कर सात चार अट्ठाइस और सात गुना एक सात सात से सात काट दिया तो एक की गुणा मतलब चार अनुपात एक ही रह गए तो, तो आठ अट्ठारह हो गया टोटल पच्चीस में अगर चार जोड़ दिया जाएगा अट्ठाईस छप्पन एक सत्तावन हो गया हम्म तीन से काट दिया उन्नीस छह क्या पूछ रहा है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ तो टोटल हो गया पच्चीस तो छह बटे पच्चीस गुना सो पच्चीस से कितनी बार चार बार छुना चार चौबीस परसेंट समझ आ गया ये कोई ये वीडियो आपको एक बार और देखनी पड़ेगी तब जाके मामला क्लियर होगा देखो सैतीसवा किसी वस्तु के पैंतीस रुपए और चालीस रुपए किलोग्राम की लागत में दो मिश्रण के वजन दो अनुपात तीन के अनुपात में यदि एक बोटा पांच मिश्रण छालीस रुपए प्रति किलोग्राम और शेष पचपन रुपए प्रति किलोग्राम दर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत तक याद करे सोच का कर, कर दोगे नॉर्मल देखो यार टू ब्लैंड ऑफ कम्युनिटी कॉस्टिंग रूपीज थर्टी फाइव एंड फोर्टी पर केजी रेस्पेक्टिवली आर मिक्सड इन द रेशियो टू इज टू थ्री इसका मतलब देखो पैंतीस गुणा दो कर दिया सत्तर रुपये का ये मामला हो गया और चालीस गुणा तीन चालीस गुणा तीन एक सौ बीस रुपये का ये हो गया ठीक है ये कॉस्ट होगी टोटल तो कॉस्ट कितनी होगी वन नाइनटी क्लियर है और फिर वो क्या कह रहा है वन फिफ्थ पार्ट ऑफ द मिक्सचर सोल्ड एट फोर्टी सिक्स पर केजी वन फिफ्थ पार्ट इसका मतलब टोटल तो पांच ही है भाई टोटल तो पांच ही है ना पैंतीस गुणा दो और ये कितना है चालीस uh, गुना तीन तो वन फिफ्थ पार्ट जो छालीस रुपए का बेचा मतलब पहला हिस्सा छियालीस का बेच दिया एक किलोग्राम उसके आगे जो बेचा हो पचपन गुणा चार में बिका हुआ बिका होगा ठीक है तो छियालीस गुना पचपन गुना चार करो तो छियालीस तो हो गया ये कितना हो गया भाई पचास गुना चार दो और पांच गुना दो बीस तो देखो छह दो सौ छियासठ तो एक सौ नब्बे से दो सौ छियासठ कितना एक्स्ट्रा हो गया छिहत्तर एक सौ नब्बे पे परसेंटेज के लिए सौ पे तो सात सौ साठ डिवाइड बाय उन्नीस चालीस परसेंट आंसर ठीक है क्लियर समझ आई बात डन है मामला तो मिक्सचर के एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस करके देखना जो नहीं होगा अगली क्लास में पूछ लेना अगली क्लास में आपको पार्टनरशिप कराऊंगा और तब आप लोगों से मुलाकात करते हैं थैंक यू नाइस टू मीट यू आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे ठीक है